खड़ा हो गया, जिसमें रूपाराम को सब लोग मान रहे थे अभी तक कि रूपाराम को टिकट मिलेगी और उनकी जीत श्योर है, क्योंकि उन्होंने औरण को लेकर काफ़ी प्रयास किए और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर रूपाराम ने काम किया है। लेकिन उनके सामने मानवेंद्र सिंह ने अपनी ताल ठोक दी है। मानवेंद्र सिंह ने गाँव का दौरा शुरू, तो जैसलमेर जिले में खड्डाल क्षेत्र है, सोडान क्षेत्र है, जसोड़वाटी क्षेत्र है, बसिया का क्षेत्र है और इसके साथ साथ नहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र लगाकर अब तक कितने चुनाव हुए और सबसे पहले यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहाँ किस पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए थे, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ का नमस्कार साथियों, जय माता जी, खमा गणी, राम राम सा। जैसलमेर खबर 24/7 पर आप सभी का मैं राज चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसलमेर जिले की राजनीति, जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर एक बड़ी अपडेट, बड़ा वीडियो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो जैसलमेर जिले की राजनीति का इतिहास, जातीय समीकरण क्या क्या है, वो सब आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं। तो राजस्थान का जो सरहदी ज़िला जैसलमेर है, जिसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ के स्थापत्य कला और पर्यटन के हिसाब से ये लाखों करोड़ों पर्यटन यहाँ हमेशा घूमने के लिए आते हैं। तो आप सभी को बताते हैं कि जैसलमेर जिले की जो विधानसभा है इसका गठन कब हुआ, 1951 से लगाकर अब तक कितने चुनाव हुए और सबसे पहले यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहाँ किस पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए थे, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ का जातीय समीकरण, राजपूत, मुस्लिम, मेघवाल और अन्य कास्ट जो यहाँ पर रहती है उनका विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का जो इफेक्ट रहता है, वो सब आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और पूरा संश्लेषण हमने किया है, पूरी जो यहाँ के जैसलमेर जिले की राजनीति है उसका गठजोड़ किया है, इसके पूरे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसलमेर जिले की जो विधानसभा है उसका गठन 1991 सबसे पहले हुआ था। जैसलमेर जिले में दो विधानसभा है, जिसमें एक तो जैसलमेर खुद है और दूसरी विधानसभा है पोकरण, जिसमें हम आपको बता दें कि जैसलमेर जिले की विधानसभा का गठन 1991 हुआ था और जो पोकरण है दूसरी विधानसभा उसका 2008 के बाद में विधानसभा जैसलमेर से अलग हो गई और जैसलमेर जिले में दो विधानसभा है। जैसलमेर जिले में जो जनसंख्या है वो सुदूर ढाणियों और गाँव में निवास करती है और वहाँ के ज़्यादातर वोटर्स हैं वो वोट देते हो और जैसलमेर की राजनीति को आगे लाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि राजपूत जाति की उपजाति और गोत्र के आधार पर अलग अलग भूभाग में जैसलमेर को बांटा गया है। हमने पूरा विश्लेषण किया है और जिसमें जैसलमेर ज़िले में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो जैसलमेर ज़िले में खड्डाल क्षेत्र है, सोडान क्षेत्र है, जसोड़वाटी क्षेत्र है, बसिया का क्षेत्र है और इसके साथ साथ नहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र है। अब आपको बताते हैं कि जो बसिया, सोडान जो क्षेत्र है अलग अलग, इनमें कौन कौन से गांव आते हैं और कौन कौन सी जातियाँ इसमें अपना वोटर्स की ताकत रखती है। तो हम आपको बताते हैं कि रामगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसको खड्डाल क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें खाड़त, उन्नड़, जैचन भाटियों के गांव शामिल है और मेघवाल जाति के गाँव भी शामिल हैं जो जैसलमेर की राजनीति को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा म्याजलार, पोचिना, खाबा, गुंजनगढ़ के सोडान क्षेत्र में सोडा राजपूत है, उनका एक तरफा वर्चस्व है। अगर ये क्षेत्र चाहे तो एक तरफा किसी प्रत्याशी जो विधानसभा में खड़े हैं उनको जिता सकते हैं। इसके अलावा म्याजलार, पोछिना, खब्बा, गुंजनगढ़ के सोडान क्षेत्र में सोडा का एक तरफा वजूद है। अब बात करते हैं पोकरण विधानसभा और जैसलमेर विधानसभा दोनों को प्रभावित करने वाला क्षेत्र कौन सा है, जिसको जसोड़वाटी क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः भाटियों के गांव आते हैं। उनमें चांदण, मुलाना, दवाड़ा, डेलासर और भादरिया जैसे जसोड़वाटी गाँव का नाम शामिल है। 2008 से पहले हम आपको बता दें कि जो जसोड़वाटी क्षेत्र था वो एक तरफा था, यानी कि जैसलमेर जिले के अंदर था और 2008 के बाद में इसके काफ़ी गांव पोकरण विधानसभा में चले गए, तो जैसलमेर की राजनीति को काफ़ी प्रभावित करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बच्चिया क्षेत्र है, जो बच्चिया क्षेत्र कहा जाता है, उसकी बात की जाए तो भाटियों के तेजमालता, झंझलियाली, चलक, बच्चिया सहित मेघवाल समाज की आबादी शामिल है। बच्चिया क्षेत्र में 2008 से पहले जो बच्चिया क्षेत्र था वो जसोड़वाटी की तरह, जो अभी आधा जसोड़वाटी पोकरण में चला गया, उसी प्रकार जो बच्चिया क्षेत्र है वो आधा पहले शिव विधानसभा में था लेकिन 2008 के बाद में शिव विधानसभा से अलग होकर बच्चिया क्षेत्र पूरा का पूरा जैसलमेर विधानसभा में आ गया है। अब बात करते हैं मोहनगढ़ क्षेत्र की, जैसे जो जहाँ नहरी क्षेत्र है, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जो फकीर परिवार है जैसलमेर का, जो इसको राजनीति का गढ़ कहा जाता है, जिसको राजनीति की नींव कहा जाता है। इसके अलावा काफ़ी क्षेत्र ऐसे है जहाँ राजपूत बाहुल्य क्षेत्र भी है, वो भी राजनीति का गढ़ है, लेकिन फकीर की राजनीति का अगर गढ़ माने तो वो है मोहनगढ़ का नहरी बेल्ट है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा
रहती है और जैसलमेर की राजनीति का केंद्र मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र को माना जाता है। अब बात करते हैं, नहरी क्षेत्र की हो गई, अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र की। जब ग्रामीण इलाके अलग हो गए, अब शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसलमेर के शहर में ब्राह्मण, राणा राजपूत और आसपास के जैसे गाँव की बात की जाए, जो गाँव पीछे रह गए हैं, बडोड़ा गाँव, हमीरा, पिथला, ब्रह्मसर जैसे राजपूत बाहुल्य गाँव भी शामिल है। अब 2022 के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बताते हैं कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कितने वोटर्स अपने वोट डालेंगे। तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार जैसलमेर की विधानसभा सीट पर 235,317 मतदाता है। बात करें जाति फैक्टर की तो यह सीट, जैसलमेर की जो विधानसभा की सीट है, यह पूरी तरह राजपूत बाहुल्य सीट मानी जाती है, जिसमें राजपूत समाज के लगभग 85,000 मतदाता है जो इस सीट पर एक तरफा अपना प्रभुत्व रखते हैं। इसके अलावा मेघवाल समाज के 35,000 और मुस्लिम समाज के 48,000 वोटर्स हैं, जो अगर इनका मेघवाल और मुस्लिम का गठजोड़ हो जाए तो ये वोटर्स अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है जहां पर मुस्लिम और मेघवाल समाज ने अपना गठबंधन किया है और जो सीट के लिए खड़े होते हैं उनमें एक तरफा जीत भी दिलवाई है। काफ़ी समय ये सकारात्मक रिजल्ट भी आया है मुस्लिम और जो मेघवाल है उनका गठबंधन का। इसके अलावा ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, रावणा राजपूत और भील समाज के वोट भी बहुत प्रभावित करते हैं। जैसलमेर की विधानसभा को बागी विधानसभा कहा जाता है, बागी प्रत्याशियों की विधानसभा कहा जाता है, जिसमें कई प्रत्याशियों ने बगावत कर समीकरण बिगाड़े हैं और जीत का परचम लहराया है। अब बात करते हैं, जब 1991 में पहली बार वोट हुए थे विधानसभा के और आखिर में लास्ट वोट 2018 में हुए थे, तो कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हुए थे और किन को जीत मिली थी। अब बात करते हैं, कांग्रेस अब से 1951 से लगाकर अब तक 15 बार चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 4 बार, भाजपा ने 5 बार, जनता पार्टी ने 1 बार, स्वतंत्र पार्टी ने 1 बार और जनता दल ने 1 बार और निर्दलीय 3 बार अपना परचम लहरा चुके हैं। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र का प्रथम चुनाव 1991 हुआ और आखिरी चुनाव 2018 में हुआ, जो पिछला चुनाव था। 1991 में हरमंत सिंह और कन्हैयालाल के बीच मुकाबला हुआ, दोनों निर्दलीय प्रत्याशी थे। उस समय कोई पार्टी मायने नहीं रखती थी और हरमंत सिंह को 12,671 और कन्हैयालाल को 863 वोट मिले और हरमंत सिंह जी उस समय जीत गए थे। अब आखिरी चुनाव की बात करते हैं 2018 की, जिसमें कांग्रेस के रूपाराम और भाजपा ने भरोसा जताया था सांग सिंह के ऊपर, जिसमें रूपाराम को 29,778 विजय वोटों से विजय प्राप्त हुई और सांग सिंह को कुल 76,753 वोट मिले। ये जो पिछले चुनाव की बात है। अब बात करते हैं आने वाले चुनाव विधानसभा क्षेत्र की। जाति फैक्टर हो गया और सारा संश्लेषण हो गया। अब बात करते हैं 2023 की, जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आचार संहिता लगभग लगने ही वाली है। तब जो विधानसभा के चर्चित चेहरे कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा जो बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसमें रूपाराम को सब लोग मान रहे थे अभी तक कि रूपाराम को टिकट मिलेगी और उनकी जीत श्योर है, क्योंकि उन्होंने औरण को लेकर काफ़ी प्रयास किए और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर रूपाराम ने काम किया है। लेकिन उनके सामने मानवेंद्र सिंह ने अपनी ताल ठोक दी है, मानवेंद्र सिंह ने गाँव का दौरा शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा है कि यह विधानसभा चुनाव केंद्र में जरूर लड़ूंगा और मेरी टिकट फाइनल है और जनता मेरे साथ विश्वास के रूप में मेरा विश्वास रखेगी। और रूपाराम ने ऐसा कहा है कि जिस प्रकार से मैंने काम किया है तो जनता मेरे साथ होगी। तो कांग्रेस के अंदर 2 गुट हो चुके हैं, रूपाराम का गुट अलग हो चुका है और मानवेंद्र सिंह का गुट अलग हो चुका है। ये देखने की बात होगी कि आखिर टिकट किस पर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो चर्चित चेहरे हैं जो अभी विधानसभा में घूम रहे हैं, जो टिकट किसको मिलेगी, उनके नाम भी हम आपको बताते हैं। तो रूपाराम, छोटू सिंह, सांग सिंह, सुनीता भाटी, तारिंदर सिंह, सुख सिंह सोडा, विक्रम सिंह, वीरेंद्र सिंह रामगढ़, पवन कुमार सिंह और अंजना मेघवाल सहित काफ़ी चेहरे हैं जो गाँव का दौरा कर रहे हैं और संभवतः अगर इनका ऊपर आला कमान ने विश्वास जताया तो उनको टिकट मिल सकती है। पवन कुमार सिंह भाटी एक ऐसा चर्चित नाम है बीजेपी की तरफ से, जिन्होंने अभी जैसलमेर में JPL टूर्नामेंट करवाया और युवाओं के अंदर काफ़ी वो प्रसिद्ध है और गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जो हरियालू जसान का प्रोग्राम है वो गांव-गांव जाकर पौधे वितरित कर रहे हैं, इससे कई योजना चला रही है जिनको लेकर भाजपा उन पर विश्वास जता सकती है। और छोटू सिंह तो चर्चित चेहरा है ही। अब बात करते हैं युवा चेहरों की, जिसमें कुणाल सिंह JNU से पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जोधपुर से, आयदान सिंह, कंवराज सिंह और हाथी सिंह मुलाना, और सबसे बड़ी बात है आयदान सिंह भाटी जो सांग सिंह के पुत्र हैं उनको टिकट दी जा सकती है। तो साथियों, ये था जैसलमेर की विधानसभा का जातीय संश्लेषण और इतिहास 1951 से लगाकर अब तक 15 चुनाव हुए उसके अंदर किस किस ने बाजी मारी, और 2018 में जो पिछला चुनाव हुआ था रूपाराम और सांग सिंह के बीच में, जिसको कांग्रेस की जीत हुई थी और भाजपा की करारी हार हुई थी।
जैसलमेर इतिहास, जैसलमेर की विधानसभा का इतिहास, जाति संश्लेषण हमने आपको पूरा बताया। अगले वीडियो में हम आपको ऐसे ही जो शिव की विधानसभा है वहाँ से रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोक दिए, शिव की विधानसभा, पोखरण की विधानसभा है जिसमें साले मोहम्मद और प्रतापपुरी के बीच में अभी और कड़ा मुकाबला होने वाला है, आलाकमान किसके ऊपर विश्वास जताएगी, और जैसलमेर की विधानसभा का हमने आपको पूरा संश्लेषण करके दिखाया। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप 2023 के विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी को चाहते हैं, किस बीजेपी कांग्रेस या अन्य पार्टी का आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले बड़ी वीडियो में किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।